और साथ में देखिए मैंने ऑफ व्हाइट दुपट्टा लिया है। आपको कहा था क्या पैसे को? अभी आमना आई है और आमना मेरे लिए क्या नहीं है रोटी इस साइड पे मुस्तफा अच्छा बनाया ठीक है। खाना खा रहे हैं और मस्त अल्लाह मस्त अल्लाह आपको अपनी तारीफ इन जगह पायल दिखाने लगी हूँ जो पायल हमने आप सुन रही हो मम्मा की बात की नहीं सुन रही या बस सिर्फ शर्मा रही हो। चलो जी हानिया हो गई रेडी ठीक है अब अपना बैग उठाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक नया दिन एक नई सुबह और हमारे एक नए व्लॉग का आगाज हो चुका है। दुआ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको कभी भी किसी का मोहताज ना करे। हानिया को मैंने अभी रेडी करवा दिए और हानिया को मैं छोड़ने के लिए जा रही हूँ क्यों एक तो वैसे चल तो हानिया की छुट्टियाँ नहीं है लेकिन मैं कहती हूँ कि हानिया की जो बेस है वो थोड़ी ठीक हो जाए और इस बार इसका हानिया का रिजल्ट भी अच्छा नहीं है तो इस वजह से भी मैं कह रही हूँ कि बस ये जाती रहे और इसकी डेली रूटीन में इसकी पढ़ाई हो थोड़ी बहुत। जैसे कि वो सारी बुक्स का एक बर्डन होता है बच्चे के ऊपर वो तो नहीं एक दो सब्जेक्ट हैं जिनमें ये वीक है तो मैं कहती हूँ उसमें इसकी जो रेपिटेशन वो होती रहे और इसकी बेस अच्छी बन जाए इंग्लिश और मैथ तो इसको मैंने रेडी करवा दिया बस अब इसको छोड़ कर आती हूँ और फिर देखती हूँ हमारे आज के ब्लॉग का क्या सीन है क्या कुछ आप सबके साथ शेयर कर पाती हूँ। प्लान तो है लेकिन फिर भी देखते हैं हो सकता है कभी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। चलो मेरी हानिया रेडी है बस हो गए लेने कब आऊंगी जब आपका टाइम हो जाएगा मैं लेने आ जाऊंगी। किचन में मैं आ गई और किचन से हमारा काम शुरू होने लगा है। अच्छा आज मैंने आप सबको बताया था कि मेरा कुछ प्लान है लेकिन पता नहीं कंफर्म है कि नहीं। हानिया को छोड़ने के बाद मैं चली गई थी ग्रोसरी करने के लिए क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें घर पर था। ग्रोसरी करके जैसे ही आई हूँ प्लान ये था कि ईद पे मैंने अपने दोस्तों को इन्वाइट नहीं किया था उनको इन्वाइट किया तो वो आज आ रहे हैं सारे घर पर आज दावत की है मैंने। जल्दी से अब फटाफट क्या करती हूँ खाना बनाना शुरू करते हैं और जैसे ही वो सैलून से फारिग होंगी और एक दो और भी उनको भी इनवाइट किया जो जॉब नहीं करती। सबसे पहले ना मैं इसको खोल के पानी को रख देती हूँ फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए और उसके बाद फिर बाकी के जो काम है ना उनको शुरू करते हैं पहले ये कर लेते हैं। मटन को नमक लगा के मैं गई थी और मटन अभी रेडी है उसको करते हैं फ्राई। पतीला मैंने निकाल लिया जैसे मटन फ्राई होता रहेगा गाजरें मैंने निकाल ली इनको वॉश करके यहाँ पर कट कर लेते हैं क्योंकि इनको कट करने में भी ना काफ़ी टाइम लग जाता है। गाजरें कट हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन काफ़ी टाइम तो लग गया इनको और मटन भी हमारा यहाँ पर देखें फ्राई होने वाला है थोड़ा सा बस और बचा है। मेरी मलाकों को मैंने नहला दिया है हाँ नहा के फ्रेश हो गई और अभी मैंने अभी नहाना है लेकिन मुझे थोड़ी देर है सच में बहुत गर्मी किचन में काम करते करते ना एक तो बहुत गर्मी है मलाक है ना आज पता नहीं क्या हुआ इसको ना कुछ खा रही है ना कुछ ठीक से पी रही है और मुझे इसकी टेंशन भी हो रही है क्या हुआ इसे हंस रही हो मम्मा को आपकी टेंशन हो रही है आप हंस रही हो। चलिए बस ये रेडी हो गई मुस्तफा ने भी नहा लिया हानिया ने तो खैर नहीं हानिया नहाई थी आज जैसे उठी थी लेकिन इनको मैंने नहा दिया मुस्तफा को जबरदस्ती मैंने कहा नहाओ बस किचन से जैसे फ्री होती हूँ फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी और अभी तक कोई भी नहीं आया मेहमानों में से। ये देखें ये खाने पीने में लगी हुई है मेहमानों के आने से पहले इसने खाना पीना शुरू कर दिया है ना कभी मुझे ये चेक करवा दो कभी मुझे वो चेक करवा दो तो एक यहाँ पे बैठी हुई है और एक यहाँ पे ये गेम में लगा हुआ है। हाँ जी रमजान में पिछले 14 दिन मैं रोजे नहीं रखे आप रोजे रखे और मैं हर चीज लाइन से चेक करती जाती हूं। कितने रोजे रखे थे याद है आपको? मैंने पूरे 5 रोजे रखे। और ये फिर से अपना सामान लेके अंदर से आ गई है मलाक अब नहीं बिखेरना इनको बात सुनो मम्मा की मम्मा क्या कह रही है आपको अब नहीं करना ठीक है। अपने लिए मैंने ये वाले कपड़े निकाल के रख दिए हैं तो आज मैं ये वाले कपड़े पहनने लगी हूँ और साथ में देखिए मैंने ऑफ व्हाइट दुपट्टा लिया है। मम्मा थोड़ी सी बिजी क्या होगी ये क्या किया आपने दूसरा हैंड दिखाओ मम्मा को दूसरा हैंड ये क्या किया आपने इसके साथ बना को गंदी बच्ची इसने आपको कहा था क्या पैसे को काम बढ़ाती रहते हो ना मैं ठीक कहती हूँ ना कि मलाक अगर जाग रही है ना तो बस फिर किसी चीज की खैर नहीं और ये पड़ी हुई ड्रेसिंग पे थी आप कैसे पहुंच गए वहां पे मलाको
इतना शौक है लिपस्टिक का आपको, बिल्कुल और कोई चीज नहीं उठानी, बस लिपस्टिक। मीठे में हमने बनाई है दूध वाली सिवैया और माशाल्लाह से देखिए बनकर तैयार हो गया। बॉल्स में डाल के रखती हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए। यहाँ पर देखिए मैंने बनाया आज अफगानी पुलाव, जैसे कि मैंने बताया था, लेकिन अभी तक मैंने ये दम पे नहीं रखा, इसको भी मैं तह लगा रही थी। तो सिवैया बनकर तैयार हो गई, बस इनको पहले बॉल्स में डाल के रख देते हैं। क्यामत रस शुरू हो गई है, अभी एक फैमिली आ गई, अभी दूसरे भी अभी आने वाले, इंटर होने वाले दरवाजे से, मुस्तफा उनको लेने के लिए गया है और बस कुछ ही देर तक हमारा खाना भी बनकर रेडी हो जाएगा। अभी आमना आई है और आमना मेरे लिए इतनी प्यार से फ्लावर ले आई है कि मेरी सारी थकान गायब हो गई है। मोना भी तैयार हो गई है, रेडी हो? चलो बस जाओ मेहमानों के पास, मैं जा रही हूँ अभी रोटी लेने के लिए। हाँ अभी सारे मेहमान वैसे आए नहीं है, पहले सबके आने से पहले मैं जाके रोटी लेकर आती हूँ जल्दी जल्दी से, बाकी सब कुछ डन हो गया। एक खास और मैंने आके अभी नहाना भी है। हाँ एक स्पेशल गेस्ट को भी आपने लेने जाना है, पता? हाँ मैं उनको भी लेती हूँ। चलिए जी अभी कुकिंग से हो गई हूँ मैं फ्री और मेहमान हमारे आ गए हैं, लेकिन पूरी अभी तक नहीं आए, तो बस इसी दौरान मुझे टाइम मिल गया है कि क्या करना है। मैंने जाकर जल्दी से कुछ चीज़ें लेनी है स्टोर से, रोटी लेनी है और कोल्ड ड्रिंक लेनी है, फिर आके मैंने नहाना है। और वैसे भी उन्हें एक घंटा भी रहते हैं बाकियों को आने में, तो एक घंटे से पहले हमारा काम हो जाएगा, बस जल्दी जल्दी से निकलते हैं। बाकी बच्चियाँ सब रेडी हैं घर में। जब से गाड़ी चलाना सीखी है ना, मैं समझ रही थी कि मैं सीख जाऊँगी, अच्छा है तो अच्छा, खैर काफ़ी अच्छा लगता है गाड़ी चलाते हो, लेकिन सच में अपनी परेशानियाँ खुद बढ़ा ली हैं, काम अपने खुद बढ़ा लिए हैं। हस्बैंड बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि बस ये आराम से सुकून से सब कुछ हैंडल कर लेगी, सारे काम कर लेगी, लेकिन परेशानी होती है जब घर में बंदा बिजी होता है। तो अभी मेरा दूसरा चक्कर लग रहा है मार्केट का, हालाँकि उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आ जाऊँगा और रोटी वगैरह जो है, कोल्ड ड्रिंक है, जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो मैं ले आऊँगा, लेकिन बस फिर अभी मैंने कॉल किया तो कह रही हैं कि नहीं मैं तो अभी तक बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा, तो फिर क्या करें, मुझे ही जाना पड़ेगा। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्दी से जाते हैं और ये काम करके फटाफट से आते हैं। आ जाओ पहले रोटी ले लेते हैं। नहीं है रोटी इस साइड पे मुस्तफ़ा। पहले ये वाले आगे करें। अफगानी पुलाव भी बनकर तैयार हो गया, लेकिन आज मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि जो हमेशा मैं कहती हूँ अफगानी पुलाव बड़े मजे का बनाना, जिससे मैंने सीखा था ना, आज वो आई हुई। हमेशा वो आती मैं बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन आज देखे वो आई हुई, तो मैंने आज मेरा दिल करता है मैं अफगानी पुलाव बनाऊँ, पता लग जाएगा कि मेरा अफगानी पुलाव कैसा है। नहीं नहीं अच्छा ही होता है हमेशा। इस ईद पे वैसे खाए तो मटन ज्यादा है, लेकिन मासूमा की वजह से ना, यहाँ पर देखें चिकन का हमने बनाया है सालन, मुझे पता है कि मासूमा मटन नहीं खा। हमारा मजे मजे का अफगानी पुलाव बनकर तैयार है और ये बनाए मैंने एक स्पेशल बंदे की वजह से। आज मैंने बनाया अफगानी पुलाव और मेरी टीचर आई हुई है, तो मैं ये अभी मुझे देख भी रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि अब आज आपने मेरा मान रखना है, झूठा वाला नहीं बताना कि मैंने अच्छा बनाया, ठीक है, झूठे वाला नहीं रखना। हाँ सर नहीं अच्छा लग रहा है, मैं कह रही हूँ मैं इतना मिस करती हूँ तुम लोगों को, फोन नहीं करते ये लोग मुझे, पहले इनकी शिकायत होती थी मेरे साथ, अब मेरी इनके साथ शिकायत है। तारीफ करनी है सबके सामने, इतनी तारीफ करनी है कि मेरी तारीफों के पुल बांध देने, ठीक है? अगर आपने ना तो गिर जाएगा। आपने बोलने के साथ मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, इतना अफगानी पुलाव इतना मजे का बनाया कि ऐसा मैं भी नहीं बनाती। आपने कहाँ से बैठा? मम्मा की जान आ जाओ कुछ तो खा लो बलाको। चलिए अभी चाचा और चाची आ गए हैं, तो बाकी मेहमानों को मैंने खाना दे दिया, वो माशाल्लाह मजे से खाना खा रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह अफगानी पुलाव की सबने तारीफ की है कि बहुत अच्छा बना हुआ है। और मैं वैसे जब भी बनाती हूँ ना, सच में मैं ऐसा लगता है कि मैं अपने दिल से और प्यार से बनाती हूँ, तो इसलिए बहुत मजे का होता है। तो बस अभी चाचा और चाची के लिए हम लगाने लगे हैं दस्तरखान, तो चाचा के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं और जब भी आते
खाते हैं तो भाई जाहिर है भाई बहन आपस में मिलके बस गप्पे शप्पे लगाते हैं। चलिए अभी ये डिश तैयार हो रही है चाची के लिए। चलो चलो जल्दी से चलिए इन बॉल्स को यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। मेरे पास इसके घर हम गए थे इसके पास इससे मिलने के लिए। यह बड़ी हो गई अली आपकी बहन मैं रख लूं आंटी के लिए ले लूं है अली आंटी ले 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 लूं मैं ले लूं नहीं नहीं चलो चलो जल्दी से जमा करो सारे। मम्मा की मलाह को क्या करे यहाँ पे मम्मा की जान क्या करे यहाँ पे मेरे बच्चे को बुखार आ गया कब से ना वैसे मैं कह रही हूँ कि सुबह से इसकी तबीयत ठीक नहीं लेकिन अभी ना इसकी बॉडी ना गर्म हो रही है अभी लग रही है कि इसको बुखार आ रहा है। चलो मलाह आ जाओ जल्दी से मेडिसिन पियो ठीक है मेरा बच्चा। आज हानि तो बहुत खुश है ना आज जन्नत आई हुई अब्दुल्ला आई हुई काफी सारे बच्चे आए हुए थे तो वो सभी खैर चले गए हैं लेकिन हानिया बहुत खुश है आज उनके साथ। इसे पता ही नहीं कि मेरी मम्मा कहाँ है ना कल जो ये रो रही थी इतनी सैड थी सारा दिन मैंने नोट किया मुझे किसी ने मेरा बर्थडे विश तक नहीं किया। मैं चेक कर रही थी आप सबको कितने चम्मच खाएगी। चाय अभी बना ली है सबके लिए और मैं लेकर जा रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी दोस्तें भी आई हैं और दोस्तों के साथ मेरे बच्चों की टीचर भी आई हुई आज हमने उनको भी इन्वाइट किया था और मेरी मलाकों की शरारतें देखी फिर से उसने लिपस्टिक उठाई ये देखी अभी हस्बैंड आ गए हैं और ये फ्रेश होकर अभी आए हैं तो बस मैंने इन्हें कहा कि जल्दी से इनको मैं खाना दूं। और कुछ चाहिए सालन रोटी पानी। क्या चाहिए पानी। बस पानी चाहिए इन जगह क्या कर रही है इसलिए तो मैं चेक कर रही हूँ। नायला देखे मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है ईद का और जैसे ही आई है इतनी खूबसूरत पैकिंग है देखे और नायला का ड्रेस देखे नायला का ड्रेस कितना प्यारा है और ये मेकअप भी बहुत खूबसूरत करके आई काश मैं इसे दिखा सकूं। पायल दिखाने लगी हूँ जो पायल हमने ली थी कि मैंने शिकायत जाके तुम भी ले वो बहुत प्यारी है अच्छी है बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें आवाज भी है। मुझे एक पानी बहुत अच्छा लगा गिफ्ट भी लेकर आई छोटा सा चिमटा साथ में रही और मीठा मिठाई भी कुछ लेकर आई है। अच्छा ठीक है अब्दुल्ला अल्लाह हाफिज़ जन्नत फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जाना पार्क अब दोबारा पार्क अभी मोना को लेकर जाना है मोना नहीं देखे ना हमारे साथ आपने भी जाना है सभी जाना है भी जाए तो फोन में खाम खा आई क्यों नहीं वैसे मासूम बच्चे आ गए यहाँ से अभी दादू से ईदी लेने के लिए चाचा और चाची बच्चों को ईदी दे रहे हैं। आज हमारे घर पे ईद वाला माहौल बना हुआ है देखो तो सही पकड़ो मलाक ले लो ईदी ले लो ईदी हमारे जुम्मा वाले दिन में आती अच्छा जी बच्चों अल्लाह हाफिज़। चलिए हमारे आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करने लगी हूँ और बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्तों से मिलकर खाना सबने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह सब अब चले गए हैं तो मैंने सोचा ब्लॉग को भी हम एंड कर देते हैं और हानिया ने भी बहुत मजा किया एंजॉय किया अपने दोस्तों के साथ और मेरी मलाकों की भी तबीयत अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है मेडिसिन पीने के बाद। खैर बात ये करनी थी कि आप सब कमेंट में कह रहे थे कि मुस्तफा को आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्तफा की जो बर्थडे आती है ना वो 17 जून को आती है और हानिया की आती है 21 जून को यानी दोनों की सेम मंथ में आती है और फिर मुस्तफा की आ गई ईद वाले दिन ना ईद वाले दिन ही मुझे लगता है इसकी बर्थडे आ गई थी तो ईद में तो आपको पता है कि सब कैसे बिजी होते हैं और इसको विश तक नहीं किया मेरे बच्चे को हमने और बस बताने का मतलब ये कि सब कह रहे हैं कि आप मुस्तफा के साथ ज्यादा करती हो और हानिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं सबके साथ इक्वली रहती हूँ और सब को हमने विश नहीं किया लेकिन ये मुझसे नाराज नहीं हुआ लेकिन ये नाराज हो जाती है इसको अगर थोड़ा सा मैं आप सबको इतना बताऊं कि इसको अगर थोड़ी सी भी अहमियत ना दी जाए ना ये फौरन ये नोट कर लेते कि हाँ मेरे साथ ऐसा नहीं किया गया लेकिन ये है ना ये मेरी बात को समझ जाता है कि हाँ मम्मा बिजी हो गई ये होगा वो होगा तो इसलिए मैं इसके बात हमेशा करती रहती हूँ इसका गुजर गया इसने कोई बात नहीं की लेकिन बस ईद की जैसे होता है बिजी रूटीन होती है सबकी जैसे बाहर आना जाना खाना पकाना इस ईद में तो खाना पकाना भी ज्यादा होता है और फिर बच्चों को भी इंजॉय करवाना फिर सब कुछ मैनेज करना फिर इसलिए वो ईद के दिनों में आ रहे थे तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम रुक के मैंने कहा ईद के दिन कुछ दिन रुक के तो फिर उसके बाद मैंने कहा देखती हूँ मैं बैठ के प्लान करती हूँ इनकी बर्थडे कैसे करनी है फिर हमने और फिर हस्बैंड भी इन दिनों कुछ बिजी हैं वो जाहिर है वो सामान लेने के लिए मुझे भी ज्यादा पता नहीं ग्रोसरी वगैरह तो साथ है यहाँ से मैं करके आ जाती हूँ लेकिन काफी चीजें हैं जिनका मुझे नहीं पता हस्बैंड साथ होते तो मैं भी मुतमईन होकर ना हर चीज आराम से सुकून से ले लेती हूँ तो बस यही वजह थी और कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि मेरे बच्चे हैं और सारे सबके साथ मैं इक्वली रहती हूँ इसी के साथ अपने व्लॉग को मैं करती हूँ एंड आज बहुत एंजॉय किया सबने और माशाल्लाह बहुत मजा आया काफी देर तक सब बैठे रहे और सच में दोस्तों के साथ जब मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वक्त ही बदल गया दोस्तों के साथ जब बंदा बैठता है तो वो एक अलग ही फीलिंग्स आ जाती है चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में अपना ढेर सारा ख्याल रखें अपनी ढेर सारी खूबसूरत दुआओं में मुझे और मेरे बच्चों को याद रखें अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।